चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। तालाबंदी क्या वेल्डिंग कर रहा है यहाँ गेट पर, इस पर भी हो रहा है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, अंदर भी हो रहा है। मकई बका चढ़ी तो जेम कर दिया ज्यादा कोई हुई, मकई बका वेल्डिंग नहीं थोड़ा कोई भी, इतना हमारा पैसा नहीं थे। जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं होने का तब तक संघर्ष जारी रहेगा। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में है और जिला मुजफ्फरनगर का ये भैसाना शुगर मिल है जहाँ पर किसानों का पिछले 4 महीने से ज़्यादा हो गया है जो गन्ना भुगतान को लेकर धरना चला हुआ है और इसी के चलते किसानों ने अपना जो गन्ने का जो पैसा है उसको लेने के लिए यहाँ पर तालाबंदी की गई है एक तरह से, कि किसी तरह दबाव बने शासन प्रशासन या मिल के प्रशासन पर और किसानों का बकाया भुगतान है वो दिया जाए। जी नमस्कार जी, क्या नमस्कार जी, अनुज बालियान तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। अनुज जी, क्या स्थिति हो गई कि तालाबंदी करनी पड़ रही है, क्यों बात नहीं सुनी जा रही किसानों? तालाबंदी क्या वेल्डिंग कर रहा है यहाँ गेट पर, इस पर भी हो रहा है, सामने आपको दिखाई दे रहा है, अंदर भी हो रहा है। यो वेल्डिंग इसलिए कर रहा है कि पिछले साल का भुगतान नहीं है, इस साल फिर दोबारा से गवर्नमेंट के द्वारा प्रेशर दिया जा रहा है इस क्षेत्र को कि गन्ना इसी फैक्ट्री को देना, और यहाँ का किसान तैयार नहीं है इस फैक्ट्री को गन्ना देने के लिए। यहाँ का किसान ये चाहता है कि यह फैक्ट्री चाहे बंद हो जाए लेकिन हमारा भुगतान हो और हमारा फैक्ट्री दूसरी हो, किसी दूसरी फैक्ट्री को हमारा गन्ना का डाइवर्जन कर दिया जाए, वहाँ गन्ना देंगे। तो इन सभी बातों को देखते हुए अगला सत्र शुरू होने जा रहा है, इन्होंने एक चीज़ पर ध्यान दे रखा है बस, किस तरीके से गन्ना लिया जाए। दूसरा कोई इनके अधिकारियों का किसी चीज़ पर फोकस नहीं है, इनका एक ही टारगेट है गन्ना कैसे लिया जाए। और गन्ना लेने के बाद में सीधी सी बात है कि इससे सस्ता पैसा कैसे नहीं मिल सकता, पहले से ही निर्धारित है कि जितना भी गन्ना ये लेंगे, लगभग 3 करोड़ रुपए का रोज़ाना गन्ना इनको उधार मिलता है, और वो इस आधार पर मिलता है कि उसका पैसा इन्हें भी नहीं पता खुद कि कब देना है। एक चीज़ का इन्हें पक्का पता है कि जिस दिन भी देना है बिना ब्याज के देना है, तो ये पैसा देंगे क्यों? गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी थोप दी किसान पर कि ये उद्योगपति शोषण कर रहे किसान का, ये 1 साल की 2 साल की बात नहीं है, पिछले 5-6 साल से झेल रहे और इस बार तो बिल्कुल ये समझो कि मौत के कगार पर किसान खड़ा। अभी आप देख रहे त्यौहार स्टार्ट होने लग रहे, दीपावली है और भी कई त्यौहार है, इन त्यौहारों पर खर्चा भी होगा, 2 पैसे किसान को चाहिएंगे भी। त्यौहार की तो बहुत दूर की बात है, अब तक तो अपने बच्चों की फीस तक नहीं दे पा रहे, बच्चे स्कूल से निकालने जा रहे, वे घर आकर रो रहे, किस तरीके की प्रताड़ना बच्चों को मिल रही है और कितने पीड़ित हो रहे हैं यहाँ के इस क्षेत्र के किसान। इन सभी बातों को लेकर लगभग 5 महीने होने जा रहे यहाँ का किसान सड़कों पर मान लो या धरने पर है, तो अत्याचार है। मैं नहीं मानता कि अंग्रेजी शासन में भी इतना बुरा अत्याचार कभी किसान के ऊपर हुआ होगा। इसके पीछे आपको क्या मानसिकता नज़र आती है कि किसान को कमज़ोर करने वाली बात है, या मिल के पास पैसा नहीं है देने के लिए, या चीनी नहीं बिक रही उनकी? देखो ये कोई ऐसी तो चीज़ है नहीं, हवा में बात करते हम, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट को भी पता, हमें भी पता, इन फैक्ट्री वालों को भी पता, ये तो रिकॉर्ड में है कि हर साल इन्हें 200 करोड़ रुपये का मुनाफा है। ये तो नहीं हम कह सकते कि इन्हें घाटा है या कुछ और बात है। दूसरी चीज़ एक और है, इस जिला मुजफ्फरनगर में और भी 7-8 फैक्ट्री है, केवल ये एक फैक्ट्री ऐसी है जो भुगतान नहीं कर रही, तो क्या उन्हें नुकसान नहीं है? इसके पीछे कारण है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट नहीं दबाव बना रही, कहीं ना कहीं संलिप्तता है। हम तो ये कहेंगे हो सके 2 रुपये चंदे में ज़्यादा इन पता चले जाते हो, या कोई भी वो बड़ा ग्रुप है, तो इन सभी बातों को देखते हैं इसने ये पैसा यहाँ से किसान का उठा के कहीं दूसरे बिजनेस में लगा दिया, इस और इस फैक्ट्री मालिक का ध्यान ही नहीं है। मुख्यमंत्री अपने मुँह तक कह रहा, यहाँ भी होर्डिंग लगा रखा था वो फट गया, अपने मुँह तक मुख्यमंत्री ने कह रहा कि हमने संपूर्ण भुगतान अब तो 4-5 महीने पहले कर दिया फैक्ट्री बंद होती हुई, और हम यहाँ 5 महीने तो पड़े, महाराज तो पता ही नहीं कुछ भी हम कहाँ हैं। ये होर्डिंग पर लगाया जा रहा है इस तरह की? होर्डिंग पर भी लगाया था, वो अखबार की ही कटिंग लगाई थी, अखबार में आई थी बहुत बड़ी खबर, और रोज़ यहाँ टीवी पर भी आ रहा, प्रचार हो रहा, योगी सरकार ने बहुत
खत्म कर दिया, खात्मा कर दिया, वे बताया जा क्या बोल रहा इस तरह के मतलब माफिया खत्म कर दिए। इतना बड़े माफिया कहीं मिल जाएंगे देखने को, जो उनसे एक एक फैक्ट्री कहीं कई सौ करोड़ रुपए किसान का ले रही, इससे बड़ा माफिया हिंदुस्तान में कहीं ढूंढने को मिल जाएगा? माफिया खत्म करने तो इन्हें खत्म कर लो, इन्हें किसानों को क्यों खत्म करने पड़ेगा? डीसीओ कार्यालय पर भी हमारा धरना है पिछले 7-8 दिन से, और आने वाली 23 तारीख का बड़ी पंचायत का मुजफ्फरनगर डीसीओ ऑफिस में ऐलान है। बाकी जो वहाँ पे निर्णय होंगे वे तो होंगे, पूरे जिले का किसान वहाँ पहुँचेगा, इस क्षेत्र का तो पहुँचा ही पहुँचेगा, और हम जिले पर दबाव कह लो या अपनी मांग मनवाने का काम कह लो, हम जरूर मंगवाया करेंगे। क्या नाम भाव जी? राजवीर। क्या समस्या है, किस तरह की हो रही है भुगतान ना होने से किसान के साथ? समस्या तो इतनी गंभीर हो रही है जी, वो मिल जो है सरकार के दबाव में आके मेल खा रहा सरकार से, और पेमेंट हमारा दे नहीं रहा, और हालत तो बहुत ख़राब है किसान की। अभी त्यौहार भी शुरू हो रहे हैं तो समस्याएं होगी, बहुत सारी चीज़ें घर में जरूरत की होनी चाहिए, और भुगतान की वजह से तो कई सारी समस्याएं। त्यौहार काम मन रहा जी, इतनी बनी अभी उधार नहीं दे रहे, भुगतान जो बनी हो पता ला रखा हो हमारे पे ध्यान जा रहा, अग्गे बनिया उधार नहीं दे रहा जी। क्या नाम भाई? अग्गे बनिया संजीव कुमार है जी। संजीव भाई, क्या किस तरह की स्थिति हो गई है? स्थिति तो जी बहुत ख़राब है जी, किसी का जिसने जो कुछ दे दिया उसे उल्टा नहीं जाता, जिसका अग्गे कुछ मिलता नहीं, बहुत हालत ख़राब है जी। 4.5 महीने हो गए यहाँ पड़ी 16 तारीख हो चुकी थी 5वें महीने की, और जब ये बाज ना आए तोड़ा बंदी जब करना पड़ा। दो बार पहली बार भी, दो बार पहले भी हमने मतलब तड़ा लगाया पब्लिक बुलाया, पर वो 8 पैर भी तड़ी थमन दिन उन्होंने हमारे पास 8 पैर पीछे हमें तड़ी ना देनी पड़ी। जैसे बातचीत हुई है कई बार किसानों के और मिल वालों के बीच, मतलब ये अपनी बात तो बता हटते रहे, कोई वादा इस तरह का अभी तक पूरा नहीं हुआ कि भाई भुगतान की जो बात थी भगवान थोड़ा बहुत कुछ तो करते। वो तो कुछ भी नहीं करा उन्होंने, 25 पर धर दिया अटकाया, 1.5 महीना हो लिया 25 पर अटक अटका बैठा रहा, और जो बान करे करे अपनी वो वादे पर बाज के उठ के, ये नूना वादे करार कहे थे पहले महीने में भाई से, और इन्होंने सब भाज गए, पैसा नहीं दिया पर इन्होंने, और अपनी मन राजी कर लेते। हमने तो कल फिर लाचार होएगा खूब, ये भी जब तालेबंदी का वेल्डिंग करना पड़ा, मकई बका तड़ी तो जेम कर लिया ज़्यादा कोई हुई, मकई बका वेल्डिंग नहीं तोड़ा कोई भी, इतना हमारा पैसा नहीं दे। अभी ये गेट पर ही तालाबंदी की गई है, अगर मांगे नहीं पूरी होती तो फिर आगे क्या पूरे मिल पर भी इस तरह की कार्रवाई होगी? देखो जी, निर्णय तो जो भी होगा कुछ ना कुछ कठोर लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 महीने से बिल्कुल सेंस बहुत सही तरीके से हम यहाँ अपना धरना चला रहे थे और रह रहे थे, लेकिन जब ये नहीं मानते और नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे कई बार हम लोग पढ़ते हैं देखते हैं कि बहुत सारे पूंजीपतियों के लोन माफ़ कर दिए जाते हैं, कई सारी चीज़ें माफ़ कर दी जाती है, किसान का लोन भी माफ़ नहीं होता और भुगतान भी नहीं दिया जा रहा, इसके पीछे आपको क्या मानसिकता नज़र आती है? भाई इस मानसिकता तो जो है जी, ये उद्योगपति है, इन्हीं के तो लोन माफ़ हो, इन्हीं को लोन मिले, हमारा तो जो हमारा करावा वो हमें मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। इस सरकार कुछ भी नहीं है, परेशान है, बिजली का बिल नहीं जा रहा, बच्चों की पढ़ाई की फीस नहीं जा रही, बहुत सारी समस्या है, समस्या ही समस्या है। वीर सिंह जी, क्या लग रहा है भुगतान नहीं हो रहा है तो आगे क्या रास्ता नज़र आता है? रास्ता तो नज़र ही आ रहा जी, इस मिल को तो गन्ना नहीं देना, चाहे खड़ी फसल जलानी पड़ो। दूसरा रास्ता ये है, चौधरी राकेश टिकैत जी ने कह रखा जिस दिन फैक्ट्री शुरू हो जाएगी छोल लगा दो और गन्ना भरकर DM के यहाँ ले आओ, इस मिल को गन्ना नहीं देना चाहे कुछ भी करना पड़े, किसान इस मोड़ पर आ रहा है इस टाइम। लगातार बातचीत भी हो रही होगी मिल प्रशासन से, शासन से, तो वादे भी बहुत सारे किए गए, तो क्यों किसान की बात नहीं सुनी जा रही? बात नहीं सुनी जा रही, सरकार जो है और पूंजीपति सब तानाशाह हो रही, इसलिए नहीं सुनी जा रही। चुनाव आते हैं तो 14 दिन का वादा करते हैं कि भुगतान करेंगे, लेकिन अब फिर चुनाव है, अब ऐसा कोई या किसान समझ गया है नीति? नहीं, किसान समझ रहा है इस नीति को, और मुख्यमंत्री तो अब भी रोज कह रहा अब हमने संपूर्ण भुगतान कर दिया, हर बात में झूठ बोल रहे हैं। बिजली नु कहें फ्री कर दी, बिजली के मीटर लगान लग रहे, जब फ्री कर दी तो फिर मीटर का क्या काम?
तो सब झूठ का मामला है। तो अभी कोई हल नहीं निकला है? अभी कोई हल नहीं निकला, तो संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा, जब तक संपूर्ण भुगतान नहीं होने का तब तक संघर्ष जारी रहेगा। भाई क्या नाम? तमसीर। तमसीर भाई, आप अक्सर आते हैं, रोज आते हैं जी? तो जो लोग यहाँ रहते हैं उनके परिवार जो है घर पे, वो इंतज़ार करते होंगे, लेकिन किसान यहाँ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, आप किस तरह सहयोग कर पाए? बहुत गंभीर समस्या है घरों की जी। ना तो टाइम पे फीस जारी है, बीमारी का बहुत वो चल रहा है सीजन, डॉक्टर के दवाई लाने के लिए पैसे भी नहीं है और भुगतान हो ही नहीं रहा। तो तालाबंदी की गई, जैसे और भी ऐसी तालाबंदी की जाओगी अगर भुगतान नहीं होता? जी, तालाबंदी की जाएगी। क्षेत्र के किसान की यही मांग है कि जब तक भुगतान नहीं, गन्ना नहीं। हम भैसाना शुगर मिल पर थे मुजफ्फरनगर ज़िले के, जहाँ पर हमने किसानों से बातचीत की, जहाँ किसानों ने यहाँ अभी तालाबंदी की है गेट की, शुगर मिल के गेट की, और किसानों का कहना है कि जब तक हमारा भुगतान नहीं होगा, हमको किसानों के पैसे नहीं मिलेंगे उनको समय पर, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबर आते रहेगी। किसान यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद।